YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा के नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जमकर जुबानी वार किए। अभय ने कहा कि सरकार में किसी अधिकारी के रिटायर होने के बाद उस पोस्ट पर नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने के बजाय सरकार की ओर से उसी अधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी सरकार में ये नीति अपनानी चाहिए और जब सारा काम ही अनुबंध पर करवाना है तो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बजाय मनोहर लाल खुद भी अनुबंध पर काम करें। अगर उनका काम ठीक नहीं है तो उन्हें हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी गंभीर आरोप लगाए और हरियाणा को कर्ज के बोझ तले दबाने के आरोप उनकी ओर से लगाए गए। इसके लिए जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया गया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा आज कहते हैं कि हरियाणा पर 1,60,000 करोड़ का कर्ज है। अभय ने आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि हरियाणा गठन से 1966 से 2005 तक हरियाणा पर 23,000 करोड़ का कर्ज था। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा का 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया। आज इस प्रदेश की सरकार में डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी रिटायर होता है उसको रिटायर्ड करने की बजाय उसकी जगह नई भर्ती करने की बजाय उसके जगह प्रमोशन देकर के नए को चांस देने की बजाय रिटायर्ड अधिकारी को फिर से उसी पोस्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगाया जाता है। तो फिर मान करके चलो जब सारा काम ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलना है तो मुख्यमंत्री को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख लेना चाहिए। फिर इसको भी परमानेंट 5 साल पोस्ट देने की ज़रूरत नहीं। जो अच्छा काम करे उसको रख ले, जो बेकार है उसको निकाल दे। आज पूरे प्रदेश के लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं आज इस सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से उदासीन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि 1,60,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर कितना कर्जा लिया, इस प्रदेश के किसान को बर्बाद किया और कितना कर्जा लिया वो बताए, वो तो नहीं बताएगा। हरियाणा प्रदेश जब बना 66 उससे लेकर के 2005 तक केवल हरियाणा प्रदेश के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कर्जा बढ़ करके 70,000 करोड़ रुपया हो गया। ये परंपरा भी तो जो कहता है कि आज प्रदेश कर्ज में डूब गया उसी कमबख्त की चलाई हुई है।